नमस्कार दोस्तों, वर्चुअल लैब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। हमारा दूसरा चैप्टर सिक्स क्लास का पूरा हो गया है। आज हम तीसरा चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। ये तीसरे चैप्टर की पहली एक्टिविटी ऑब्जर्वेशंस ऑफ डिफरेंट फैब्रिक्स आज हम देखने जा रहे हैं। यहाँ कुछ आपको नायलॉन, सिल्क, कॉटन, वूल वगैरह का क्लोथ पीस दिया हुआ है, कापड़ का टुकड़ा। ये चार अलग अलग टाइप के फैब्रिक है और उसका टुकड़ा जो है, जो जब हम ये टुकड़ा यूज़ करते हैं कोई किसी क्लोथिंग के स्वरूप में, या तो सोचिए अपने हैंड कर्चिक के स्वरूप में या तो टॉवल के स्वरूप में, तो हम कभी ये सोचते ही नहीं है कि उसका फंडामेंटल यूनिट एकम क्या है, वो किससे बना हुआ है। तो आज हम ये देखने जा रहे हैं कि ये किस तरीके से तैयार होता है, और उसको आप अगर बहुत ही माइक्रोस्कोपिक व्यू तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ही जूम करके देखेंगे तो पता चलेगा कि ये किस तरीके से बना हुआ होता है। वो सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है। यहाँ नायलॉन है, ये सिल्क पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए ये सिल्क का कपड़ा है, ये कॉटन है और ये वूल है। ये गर्म कपड़ा है जो ज़्यादातर हम विंटर में, जाड़े में, ठंड में यूज़ करते हैं। तो हम नायलॉन से शुरू करेंगे। ये देखिए नायलॉन है, तो ये नायलॉन का ये एक कपड़ा है, कपड़े का पीस है दोस्तों, बरोबर देखिए। अब आपको कुछ ऐसा देखने को मिलने जा रहा है जिससे आपकी आंखें नम हो जाएगी। ये देखिए आपकी आंखें एकदम चकाचौंध हो जाएगी। ये देखिए ये नायलॉन जो है, उस पर मैं बार बार ये नायलॉन के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि हम नायलॉन में हैं अभी, तो यहाँ बार बार आपको क्लिक करना है। तो ये जो नायलॉन का क्लोथ का टुकड़ा है वो धीरे 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 जूम हो गया। देखिए देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ कंटिन्यूसली ऑन नायलॉन बटन। ये देखिए ये देखिए ये और नज़दीक से और नज़दीक से और नज़दीक से हम ये नायलॉन का जो कपड़ा है उसको देख रहे हैं। ये देखिए कैसे दिखता है, ये देखिए, देखा ये जूम होता ही जा रहा है। देखिए मैं बार बार क्लिक कर रहा हूँ नायलॉन के बटन पर, ठीक है। ये देखिए अल्टीमेटली आपको इतना पता चलेगा कि एक तार जो है वो हॉरिजॉन्टली इस तरीके से आता है और दूसरा तार वर्टिकली, सॉरी एक तार वर्टिकली नीचे आता है, दूसरा तार हॉरिजॉन्टली ऐसे जाता है, और इस तरीके से एकदम लाइन बन ये सब तारों को नीटिंग किया गया है एक दूसरे के साथ, उसको गूंथ लिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा नायलॉन तैयार होता है। ये देखिए जूम में उसको आप और डिटेल में देख पाएंगे, देखा। अब हम सिल्क में जा रहे हैं, तो सिल्क की भी कोशिश करते हैं कि उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो, उसको बनाने की जो पद्धति है वो भी किस तरीके से होती है। तो इस सिल्क के बटन पर रिपीटेडली क्लिक करते रहिए, रिपीटेडली क्लिक ऑन ईच बटन टू जूम इट। ये देखिए ये सिल्क है, मैं रिपीटेडली क्लिक कर रहा हूँ जूम के बटन पर और ये जूम हो रहा है। देखिए देखा एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि सिल्क की जो तारे है उसके जो फाइबर्स है वो एक दूसरे के साथ गुने हुए हैं। ये देखिए कितना फाइन नीटिंग है ये देखिए, यहाँ भी वही है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नीटिंग। ये देखिए ये सिल्क का कपड़ा आप एकदम नज़दीक से देखेंगे तो क्या हो रहा है। इसके बाद वाला जो एक्सपेरिमेंट है 3.2, उसमें हम ये भी देखने जाएंगे कि वो किस तरीके से वो एक एक तार को, एक एक फाइबर को हम किस तरीके से अलग करते हैं। ये देखिए सिल्क है, पूरा सिल्क है, देखिए कैसे हो रहा है, देखा। अभी आपको फाइबर भी नज़र आता है और किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ गुने हुए हैं वो भी नज़र आता है। तो ये हो गया नायलॉन और सिल्क। अभी नेक्स्ट हम कॉटन पर जा रहे हैं। ये कॉटन का बटन मैं क्लिक कर रहा हूँ, देख ये देखिए ये कॉटन आ गया। कॉटन के बटन पर भी रिपीटेडली क्लिक कीजिए, बार बार क्लिक कीजिए जूम करने के लिए। ये देखिए ये कॉटन आ गया, ये बिल्कुल खादी का टुकड़ा है, कॉटन है, और इसकी जो बुनाई है वो भी देखिए अच्छी तरीके से कि किस तरीके से उसका नीटिंग हो रहा है। ये देखिए यहाँ भी आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फाइबर जो है वो एक दूसरे के साथ जिस तरीके से नीट किया गया है वो दिखाई पड़ेगा, गुना गया है वो दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट
वूल में जा रहे हैं हम, तो ये वूल आ गया। वूल का बटन भी बार बार क्लिक करने से आपको पता चलेगा कि ग्रेट, ये देखिए यहाँ तो वूल के आपको फाइबर्स भी दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे कि शिप में से हम वूल पाते हैं, कैमल में से हमको ये वूल मिलता है। तो आपको पता चलेगा कि ये कपड़ा अगर एकदम जूम करके देखा जाए तो सिर्फ फाइबर ही फाइबर नज़र आएगा। ये देखिए, ये वो, ये सिल्क की ओरिजिनल गुनाई है, उसको जिस तरीके से नीटिंग किया गया है वो है। ये देखिए, मैं बार बार जूम कर रहा हूँ, ये देखिए, देखा पहले कैसा दिख रहा था? याद रखिए, पहले वो ऐसा दिख रहा था, और आपने जूम का कैसा देखा, फिर से देखिए, ये देखिए जूम का कैसा दिख रहा है। इसमें और इसमें क्या अंतर दिखाई पड़ा आपको, ये सीखना है, ये ऑब्जर्व करना है हमें, समझ गए दोस्तों? तो दिस वॉज अवर एक्सपेरिमेंट नंबर 3.1, पहली एक्टिविटी थी जो अभी पूरी होने जा रही है। बहुत जल्दी 3.2 दूसरी एक्टिविटी लेके हम आ रहे हैं दोस्तों। वी होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, मीटिंग यू अगेन सुन, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए हम आपके लिए दूसरा, जब तक 3.2 लेके ना आए तब तक हमें आज्ञा दीजिए। वी होप यू एंजॉयड द वीडियो, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय।